नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं बिहार के इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बिहार के दरभंगा जिले में पैदा हुए मजहर इमाम की। मजहर मूल रूप से एक उर्दू कवि थे। मगध विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए की डिग्री और बिहार विश्वविद्यालय से फारसी में एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1951 में वो कोलकाता स्थित दैनिक और उसके बाद 1967 में ऑल इंडिया रेडियो पटना में शामिल हो गए। उन्होंने अपने जीवन समय में कई सारी किताबें भी लिखी जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। बीएसएससी ने निकाली रिक्तियां। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न पदों को मिलाकर 12,140 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इंटर पास के साथ साथ अच्छी हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ भी होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 मार्च तक बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। नियोजित शिक्षकों ने पटना डीएम ऑफिस के सामने उठाई अपनी आवाज। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर बीते कई दिनों से सड़कों पर बने हुए हैं, मगर उनकी मांगों को ना ही सरकार और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार है, जिसके बाद अब सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के सभी नियोजित शिक्षक 7 सूत्री मांग को लेकर सड़कों पर जमे हुए हैं। अभ्यानंद अब 100 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे मुफ्त में। सुपर थर्ड अभ्यानंद ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के लगभग 100 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने ब्रह्माजन सुपर 100 की शुरुआत की है। यह संस्थान ब्रह्माजन चेतना मंच के द्वारा संचालित किया जाएगा, जहां पर भूमिहार और ब्राह्मण छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक की कॉपी जांच की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा के कॉपियों के मूल्यांकन के बाद अब मैट्रिक की कॉपियों का आंकलन भी शुरू हो गया है, जिसकी प्रक्रिया बीते गुरुवार से शुरू हो चुकी है। वहीं शिक्षकों के सड़कों पर उतरने से कॉपियों के मूल्यांकन में भी परेशानी देखी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने समय रहते कॉपियों के मूल्यांकन के लिए गेस्ट फैकल्टी का इंतजाम भी कर दिया था। बिहार में भी होने लगी है 100 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की मांग। झारखंड की तरह बिहार में भी आम नागरिकों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग अब बढ़ चढ़कर की जा रही है। बिहार के सभी विपक्षी दलों ने इस बाबत सरकार से अपील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाकपा के सत्यनारायण सिंह ने कहा है कि दिल्ली समेत आज देश के अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे क्या परेशानी है। 3 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने का किया गया ऐलान। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किसानों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए विधानसभा सत्र में कई सारे अहम ऐलान किए हैं, जिसके तहत उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित किए गए ऐलान में कहा है कि 12 से 27 फरवरी तक बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रम के तहत बिहार के लगभग 3,02,626 किसानों ने केसीसी से जुड़ने के लिए आवेदन भरा था, जिसमें से लगभग 30,000 को केसीसी दे दिया गया है। मौसम एक बार फिर से बदल सकता है अपना मिजाज। आने वाले 2 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 7 मार्च तक बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर बर्फ के गिरने की भी संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसका असर फसलों पर देखने को मिल सकता है। वहीं बारिश के कारण लोगों को ठंडक भी महसूस हो सकती है। विधान परिषद में बैंकिंग सेक्टर में पिछड़े होने के जवाब में बोले सुशील मोदी। बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में बिहार के बैंकिंग सेक्टर में पीछे होने के सवाल का जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख की आबादी पर 12.52 बैंक शाखाएं हैं, जबकि बिहार में 7.07 बैंक शाखाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख 18.31 एटीएम की तुलना में बिहार में 7.43 एटीएम है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति लाख आबादी पर 4.01 बैंक शाखाएं हैं। पटना में कोरोना के कारण सैनिटाइजर और मास्क की मांग बढ़ी। देश भर में कोरोना के बढ़ते लक्षण को देखते हुए पटना के लोगों ने भी कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर की खरीदारी शुरू कर दी है। बीते कुछ दिनों से पटना में मास्क और सैनिटाइजर्स की बिक्री में भी इजाफा देखने को मिला है। बिहार के रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया पत्र। बिहार विधानसभा में रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग पर काफी देर तक चर्चा हुई, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में 900 रूपए सरकार की तरफ से, वहीं 600 रूपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 1500 रूपए दिए जा रहे हैं। हालांकि इसको बढ़ाने के लिए हमने केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। नीतीश सरकार ने माना नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने से बढ़ गई है परेशानी। इन दोनों नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी अपने फैसले पर बनी हुई है। वहीं इसी बीच ऑल इज वेल का राग अलाप रही सरकार ने भी अब
माना है कि नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के कारण बिहार में 81% स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था प्रभावित हो गई है। सिवान के सोहगरा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सिवान के सोहगरा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सोहगरा धाम स्थित बाबा हंसनाथ का मंदिर गुठनी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार इस मंदिर में 21 शिवलिंग का वर्णन है। साथ ही सोहगरा शिव धाम में विराजमान विशाल शिवलिंग भी है। यहाँ पर पूरे एक महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। महिला दिवस पर महिलाएं संभालेंगी इस रेलवे स्टेशन को। 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस को लेकर सरकार तमाम तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बिहार के गुलजारबाग के स्टेशन पर भी महिला दिवस के अवसर पर कुछ खास करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत इस दिन स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट बुकिंग तक का काम महिलाओं के जिम्मे सौंपा जाएगा। इसके साथ ही महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के कोच के विंडो को भी पीले रंग से रंगा जाएगा। कोरोना को लेकर गया ने इन 4 देशों की यात्रियों के आने पर लगाई रोक। कोरोना ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार के गया जिले ने अपने एयरपोर्ट पर चीन, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। खबरों की माने तो अगले आदेश तक इन देशों के पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते असर और साथ ही साथ लोगों के बीच इसके फैलने की संभावनाओं को देखकर बैठक बुलाई थी, जहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कोरोना के लक्षणों से लोगों को जागरूक करवाने का आदेश जारी किया है। साथ ही बिहार में आने वाले सभी पर्यटकों पर भी खास ध्यान देने को कहा है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने सभी लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। संविदा कर्मी के लिए बिहार सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार के संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों के लिए बिहार सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी संविदा कर्मियों को सरकारी सेवकों जैसी सुविधा देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ सभी संविदा कर्मियों को सेवा शर्त और अन्य सुविधाओं को भी मुहैया करवाने का आदेश जारी किया है, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नियोजित शिक्षकों के साथ होने का किया तेजस्वी यादव ने दावा। बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि वो उनकी मांग को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दरोगा बहाली को लेकर के जांच होना चाहिए, तब भी नौकरियां निकलती हैं। कम पद भले ही हो, लेकिन लोग परीक्षा देने तो जाते हैं। हम छात्रों की मेहनत को ऐसे जाने नहीं देंगे। सरकार को हमारी आवाज सुननी होगी। राजद ने राबड़ी देवी को किया पार्टी उपाध्यक्ष नियुक्त। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। लालू यादव के अनुपस्थिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दारोमदार राबड़ी देवी को सौंपा गया है। राबड़ी देवी के साथ साथ रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को भी पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अशफाक करीम को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि भोला यादव, रणवीर सिंह, पासवान समेत अन्य नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सहरसा सहित 6 जिलों में बिछेगी रसोई गैस पाइपलाइन। सहरसा सहित 6 जिलों के 368 किलोमीटर की दूरी पर रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। खबरों की माने तो पाइपलाइन बिछाने के लिए जियो टेक्निकल और टोटल स्टेशन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही मिट्टी जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सब कुछ ठीक रहा तो पाइपलाइन बिछाने का काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2022 तक पूरा कर लेगी। बोधगया एयरपोर्ट पर कार्गो को मिली अनुमति। बिहार विधान परिषद में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य की सब्जियों और अन्य व्यंजन देश भर में पहुंचे, इसके लिए बोधगया एयरपोर्ट पर कार्गो को अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि 21 बाजार परिसर को दुरुस्त करने के लिए होली के बाद काम शुरू होगा, जहां फल, सब्जी, चावल व अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाएगा। चुनाव से पहले ही कांग्रेस और राजद के बीच शुरू हुई कसाकसी। इस चुनावी साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं महागठबंधन दल में आए दिन कुछ न कुछ होने के संकेत मिल जाते हैं। खबरों की माने तो राजद और कांग्रेस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसका अंदाजा कांग्रेस नेता मुन्ना तिवारी के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस 80 से कम सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावना है, वहीं बारिश भी हो सकती है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से बादलों का आना जाना लगा रह सकता है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,510 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,390 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,030 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 75.91 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 68.49 रुपए प्रति लीटर था। 7 महीने बाद महेंद्र सिंह धोनी का दिखा जलवा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय के बाद मैदान में एक बार फिर से खेलते देखे जाने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू कर दी है। आईपीएल के शुरू होने से पहले धोनी प्रैक्टिस मैच में उन्होंने स्पिनर कर्ण शर्मा के गेंदों पर लंबे लंबे छक्के और चौके लगाए हैं। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। धोनी की शानदार पारी से यह साफ नजर आ रहा है कि धोनी में अब भी रन बनाने और बड़े बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता बाकी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, ब्रजेश तिवारी, सैयद हुसैन, मोहम्मद सरफराज, उदय कुमार, प्रवेश प्रियदर्शी, दिनेश कुमार, रणधीर कुशवाहा, राकेश वर्मा, पिंटू कुमार शर्मा, रोहित प्रसाद, सुधांशु राज, कृष्णा कुमार पारित, देविका राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से बिहार में 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।